दोस्त नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं गांठ गोभी के करी। इसके लिए हमने गांठ गोभी ऐसे टुकड़े टुकड़े कर ली हैं और ये बॉयल आलू हैं। आलू को आप अच्छे से धोकर एक बार पानी पर भिगोकर थोड़ी देर रख देंगे, फिर इसमें देंगे। हमने कुकर को गैस में सड़ा ली है। इसके लिए हमने ये बड़ा सा प्याज काट ली है और इसमें दी है लहसुन का पेस्ट, अदरक, नमक एक स्वाद अनुसार, एक चम्मच हल्दी, एक डेढ़ चम्मच, और ये जीरा धनिया पाउडर है एक चम्मच, और ये चिकन का मसाला एक चम्मच दे रहे हैं। इसे देने से, चिकन का मसाला देने से गांठ गोभी का करी अच्छा लगता है खाने को, इसलिए हम एक चम्मच दे दी है। हम ये सरसों का तेल थोड़ा देंगे। ये देखिए, और देंगे करी बनाने के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। हो सके तेल गर्म होने को देते हैं। ये तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें ये थोड़ा पाँच फूरन देंगे। पाँचफूरन फूट चुका है, अब इसमें तेल दे देंगे, ये प्याज दे देंगे। इसका अलग सा सुगंध आता है पाँचफूरन देने से। प्याज को थोड़ा भून लेते हैं। भूनकर अब इसमें ये मसाला ये दे देंगे, मसाला के पेस्ट। प्याज को और सभी मसाला को एक साथ पकने देते हैं। अब प्याज को ऐसे घुमाकर
एकदम पेस्ट बना लेना है। ये देखिए ये पेस्ट हो चुकी है। अब इसमें ये गांठ को भी दे देना है। आलू भी दे देना है एक साथ। अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा पकने देना है इसमें इसको। अब हम इसे कुकर का ढक्कन लगा ली है। अब इसे हम पकने देंगे। दोस्तों एक सीटी हमें बढ़ाकर गैस का स्टीम बढ़ाकर मारना है और गैस का स्टीम कमा कर 4 सीटी मारना है, तभी अच्छे से गांठ गोभी पक जाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे गांठ गोभी के करी तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते।